उन्होंने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। द बाइबल में अब तक आपने देखा। This movie is encoded by extradacmovies.com. महान नायकों की आस्था के दम पर एक यहूदी राष्ट्र का जन्म हुआ। आदेश मानेंगे तो कुछ भी मुमकिन है। अब्राहम ने साबित कर दिया था कि वो एक मुल्क के पिता बन सकते हैं। हजरत मूसा ने अपने लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद किया। प्रभु चलो मेरे साथ, परमेश्वर हमारे साथ है। डेविड ने जेरूसलम शहर बसाया। लेकिन तभी इसराइलियों का विश्वास डगमगाने लगा। परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन आज तुमने प्रभु को नाराज कर दिया। आप एक पैगंबर हैं, लेकिन मैं आपका सम्राट हूँ। राजा अत्याचार करने लगे, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अब परमेश्वर और उसके संतानों के बीच का रिश्ता बड़े नाजुक दौर में था। तुम विदेशी मूर्तियों की पूजा करते हो, अपने परमेश्वर को भूल गए हो। इजरायली अभी तक जिन चीजों के लिए लड़ते रहे थे वो सब खतरे में थी। जेरूसलम अब एक बड़े ही कमजोर शासक के हाथों में जूझ रहा था। अगर सम्राट ज़ेदेकिय्याह परमेश्वर की शरण में नहीं जाएगा तो ये शहर भी नहीं बच पाएगा। जेरूसलम का 21वां राजा ज़ेदेकिय्याह इस इलाके की महाशक्तियों के बीच फंस गया था। वो मिस्र के साथ साजिश रच रहा था, लेकिन बेबीलोन का वफादार बना हुआ था। उसकी गद्दारी की खबर बेबीलोन के सम्राट नेबुकदनेज़र तक पहुंच गई। इसका मतलब जानते हो, जेरूसलम अमन का शहर। जेरूसलम। दिस मूवी इज एनकोडेड बाय टीम EDM। डेविड के समय से ही जेरेमाया जैसे नबी राजाओं को सलाह देते रहे थे। वो इसराइल और परमेश्वर के बीच की कड़ी थे। लेकिन जेरेमाया की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। तब उन्होंने ज़ेदेकिय्याह को अपना आखिरी संदेश सुनाया। नेबुकदनेज़र के सामने समर्पण कर दो, वरना मारे जाओगे। नास्तिक इंसान नहीं, पैगंबर, ये क्या है? तुम बेअक्ल हो। अगर जरा भी समझ है तो बेबीलोन की सरपरस्ती कबूल कर लो, प्रभु के बदले को स्वीकार कर लो और मान लो कि परमेश्वर ने तुम्हें माफ कर दिया है। ये बात प्रभु ने कही है। सम्राट नेबुकदनेज़र के सामने समर्पण कर दो, उसके सामने सजदा करो। हिम्मत कैसे हुई अपने सम्राट को सजदा करने के लिए कहने की? परमेश्वर के नबी पर सवाल उठाने की जुर्रत कैसे की? गलती तुमने की है। मारो इसे। अभी तुम ही मरोगे। ले जाओ इसे, गद्दार। प्रभु बेबीलोन से कयामत ला रहे हैं।
बच्चे। शहर को घेर लिया है? जी हाँ सम्राट। कोई भागने ना पाए। शुरुआत हो चुकी है। महीने तक शहर के अंदर कैद रहने के बाद इसराइली भूख से बेहाल हो गए। अब एक ही चारा था, दूसरे इंसान को खाना। पैगंबर, आप मुसीबत की इस घड़ी में प्रभु से हमारे लिए बात नहीं करेंगे? कुछ नहीं बदला है, पूरा जरूसलम जलकर राख हो जाएगा। तुमने लिखा है माफी मांगो, माफी मांगोगे तो सब ठीक हो जाएगा, प्रभु हमारी हिफाजत करेंगे। खुद देख लो, तुमने बहुत देर कर दी। शुरू करो, चलो। और जोर से, जोरदार वार करो, फिर जीत हमारी पक्की है। यरूशलेम में जो कुछ भी बचा है, यरूशलेम तबाह हो रहा था और ज़ेदेकिय्याह अपने बेटों के साथ एक खुफिया रास्ते से भाग निकला। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, इतना हौसला तो रखोगे ना? घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा, चलो इधर से। मगर उसकी जनता इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। यरूशलेम हमारा है, यरूशलेम हमारा है। इन्होंने मेरा विरोध किया है, इन्हें सजा दो, बदला लो इनसे। मंगल की तरफ। सब कुछ लूट लो और इस मंदिर को जला डालो। आ, 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 आ,
हमने जिसके लिए संघर्ष किया वो सब खत्म हो गया। इब्राहिम के समय से ही यहूदी इस संपन्न भूमि के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब कई पीढ़ियों की उम्मीदें और उनके सपने चकनाचूर हो रहे थे। बेबीलोन के सम्राट नेबुकदनेज़र की सेना ने जेरूसलम को तहस नहस कर दिया। यहूदी अपनी जान बचाकर भागे। उनमें ही था एक युवा सामंत डैनियल। इस तरफ एरियल, चलो जल्दी चलो चलो। ये तो बंद है। रुक जाओ। ये काम के लग रहे हैं, इन्हें जिंदा ही ले चलो। हज़राया, नहीं, हम परमेश्वर की संतान हैं, साथ में रहो। हज़राया, हज़राया। ज़ेडेकिय्याह को ढूंढो, उसके परिवार को ढूंढो। जी सम्राट। गद्दारी की सजा तो मिलेगी। फिक्र मत करो बच्चों, अब हम महफूज हैं। आओ चलो मेरे साथ। छोड़ दो मेरे बच्चों, कुछ मत करो, मुझे सजा दो, उन्हें छोड़ दो। सम्राट ज़ेडेकिय्याह, छोड़ दो, मुझे सजा दो, छोड़ दो उन्हें। अफसोस, ये तुम्हारे लिए आखिरी नजारा है। ले चलो। यहूदी लोग अपने मुल्क से बाहर निकाले जा चुके थे। वो पूर्व में वहां से 800 किलोमीटर दूर बेबीलोन तक जाने को मजबूर थे। चलो आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। चलो उठो। जेरेमिय्याह बच निकलने में कामयाब हो गए।
वो मिस्र की ओर चल पड़े और फिर कभी वापस नहीं आए। चलो बढ़ते रहो, कतार में चलो। अब आम लोगों के पास न तो पैगंबर थे, न ही राजा, न अपना शहर। चलो आगे बढ़ते रहो। अज़राया उठाओ, चलो आगे बढ़ो, जल्दी करो। बेबीलोन में बचे रहने के लिए यहूदियों को एक अलग किस्म का नेता चाहिए था, डैनियल जैसा एक इंसान। डैनियल के पास दूरदर्शिता थी, इसलिए उन्हें नेबुकदनेज़र के दरबार में काम करना पड़ा। क्या मुझे बताने के लिए किसी के पास कोई बात नहीं है? क्या मेरे सपने को कोई नहीं समझा सकता? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम लोग तो महान हो, गुणी हो, बुद्धिमान हो, भविष्य बताने वाले हो। तुम्हें क्या दिख रहा है? सम्राट, माफी चाहता हूं, यहां कोई आपके दिमाग को नहीं पढ़ सकता। तो फिर तुम लोगों को पालने का क्या फायदा? मेरा परमेश्वर पढ़ सकता है, उन्होंने मुझे आपका सपना भी दिखाया। तब तो तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो पूरी तफसील से। आपने इंसान की एक विशाल मूर्ति देखी, उसका सिर सोने का बना था, मगर एक पत्थर आकर उससे टकराया और उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए। इतना तो मैं भी जानता हूं, इसका मतलब बताओ। वो मूर्ति आपकी सरपरस्ती में मौजूद सारे साम्राज्य हैं, आपका साम्राज्य सबसे बड़ा है। और उस मूर्ति को तोड़ने वाली चट्टान? वो परमेश्वर का साम्राज्य है, आने वाले समय में पूरी दुनिया पर परमेश्वर का राज होगा, हमेशा के लिए। और वही उसे खत्म करेंगे? जी सम्राट। तुम्हारा नाम क्या है? डैनियल। तुम बड़े बहादुर हो डैनियल, मैं बहादुरों की कदर करता हूं। तुम मेरे लिए काम करो। जैसा कहा जाता है वैसा करो। कह रहे हो क्या हम कभी जेरूसलम जा भी पाएंगे? जेरेमाया ने वादा किया है हम एक दिन वहां जरूर जाएंगे। मगर तब तक क्या करेंगे? इस शैतान के सामने अपना सिर झुकाएंगे, इसके सजदे करेंगे? मुझसे यह नहीं होगा। अपने लोगों के बारे में सोचो, हम सम्राट के दरबार में रहे तभी उनकी मदद कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं। नेबुकदनेज़र ने परमेश्वर का मंदिर तोड़ा, हमें अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। मेरा नाम है अज़राया, मतलब वो जिसकी हिफाजत प्रभु करते हैं। मैं आज प्रभु को अपनी मदद के लिए बुलाता हूँ। नहीं मत करो, वो तुम्हें मार डालेगा।
मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता। सजदा करो। हम दिल से आपको चाहते हैं। अपने सिर झुकाओ। आपसे ही डरते हैं। हम दिल से आपको चाहते हैं। आपके आदेश मानते हैं। आपसे ही डरते हैं। पकड़ो उन्हें। मेरे दोस्तों, आज तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। डैनियल, उन्हें क्या हो गया है? तुम्हारे साथ ही मेरी शान में सजदा क्यों नहीं कर रहे? वो करेंगे सम्राट, जरूर करेंगे, जिंदगी भर जिस तरह मैं। लेकिन 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 वो पूजा सिर्फ परमेश्वर की करेंगे। उन्हें मेरे सामने सिर झुकाना होगा। हम दिल से आपको चाहते हैं। आपके आदेश मानते हैं। आपसे ही डरते हैं। हम दिल से आपको चाहते हैं। आपके आदेश से ही डरते हैं। अगर हमारे पास कोई बेहद सख्त चीज हो और हम उसे मोड़ना चाहें तो हम क्या करते हैं? आपके आदेश मानते हैं। उसे आग में तपाते हैं। नहीं सम्राट, रोक उसे। हम दिल से आपको चाहते हैं। आप आपके आदेश मानते हैं। जला डालो। नहीं सम्राट, जला डालो। लकड़ियां लाओ सम्राट। ढेर सारी लकड़ियां। आपके आदेश मानते हैं। आपसे ही लाओ। आपसे ही डरते हैं। डालो, डालो, आपको चाहते हैं। जलाओ, आग जलाओ। से ही डरते हैं। मेरी पुकार सुनो मालिक, प्रभु हमारी आवाज सुनो। मौत के हाथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। कब्र का सन्नाटा हमें आवाज दे रहा है। हमारे आंसुओं को खाली मत जाने दो प्रभु, हम आपके बच्चे हैं। मेरी प्रार्थना उन तक पहुंच जाए। मेरे दुश्मनों से खौफ खाते हैं, वो उनके बंदों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये जल क्यों नहीं रहे हैं? परमेश्वर, वो देखो परमेश्वर। जूड़ा के लोगों जागो, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारी हिफाजत करेंगे। वो हमारे साथ हैं। This movie is encoded by extradacmovies.com. आग में हुए उस चमत्कार ने फिर से यहूदियों को एकजुट कर दिया। अपने मुल्क से दूर होने के बावजूद उनका विश्वास कायम था। परमेश्वर में उनकी आस्था बनी हुई थी। साइनाय पर्वत पर हजरत मूसा को जो नियम और इतिहास मिले थे, उन्हें जोशुआ, सैमुअल और किंग्स की किताबों में संकलित किया गया और उनसे ही हिब्रू बाइबल की बुनियाद पड़ी। यहूदियों के दिलों में आस्था तो थी,
लेकिन वो अभी भी कैदी थे और जो उन्हें आजाद कर सकता था वो पागल हो चुका था। देखो तुम कहां पहुंच गए नेबुकैडनेज़र, महान सम्राट, लेकिन प्रभु की बनाई दुनिया में सबसे नीच इंसान। देखा तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें कहां पहुंचा दिया, और हम, तुम हमें आजाद कर सकते थे, लेकिन आज हम भी तुम्हारी तरह कैद हैं। ये लो, एक नया राजा आ रहा है, हे परमेश्वर उसे जल्दी भेज दो। के कुछ साल बाद एक विशाल सेना बेबीलोन की ओर बढ़ी। उसका नेतृत्व कर रहे थे फारस के सम्राट साइरस। उन्हें बता दो कि हम आ गए हैं। बेबीलोन के लोग जानते थे कि वो उसका सामना नहीं कर सकते। उन्होंने साइरस को बिना किसी संघर्ष के शहर के अंदर आने दिया। से दोस्ती कर ली और उन्हें सपनों के बारे में बताते रहे। तुम्हारे सपने का क्या मतलब है डैनियल? ये मेरा सपना नहीं है सम्राट। बेबीलोन में एक नबी हैं, आइजाया। उनका कहना है कि मैं यहां के सम्राट का दाहिना हाथ बनकर आसपास के देशों को उनकी सरपरस्ती में लाऊंगा। वो हैं सम्राट साइरस। उन्होंने आपका नाम लिया है, मतलब प्रभु आपके साथ है। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो, लेकिन चापलूसी की सजा मौत नहीं होती। हमारे सम्राट ने कई बड़े बड़े कारनामे किए हैं, इतिहास इसका गवाह है। करना भी चाहिए। मैं हूं साइरस, दुनिया का सम्राट। इसके बावजूद वो डैनियल की हर बात मान लेते हैं जैसे उनका अपना दिमाग ही नहीं है। डैनियल को रास्ते से हटाना होगा। एक महीने तक प्रार्थना नहीं होगी, सिर्फ कोई गद्दार ही इसकी मुखालफत करेगा। मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकता। मैंने उन्हें पूजा करने की आजादी दी है सम्राट। ये तो बस उनकी वफादारी की परीक्षा है। वो कई राजाओं के साथ रह चुके हैं, अब पता लगेगा कि वो आपको अपना आखिरी सम्राट, इस दुनिया का सम्राट मानते हैं या नहीं।
एक महीना बिना प्रार्थना के। ये बात भले ही साइरस को सही लग रही हो, पर हम इसके बिना नहीं रह सकते। उन्हें सम्राट की परवाह नहीं है, वो तो किसी तरह से उन्हें वश में करना चाहते हैं, और इसके लिए वो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। हम सबके लिए एक चाल है, वो हमें मरवाना चाहते हैं। करो या मेरे अंदर से अपना नूर निकाल लो, लेकिन मुझे अपनी सरपरस्ती में रहने का हक दो, और मुझे इतनी ताकत दो कि मैं इन मुसीबतों का सामना कर सकूं। साइरस का हुक्म नहीं मानने की वजह से डैनियल को गिरफ्तार कर लिया गया और सजाए मौत सुनाई गई। रक्षा करना प्रभु, हमारे ऊपर दया करो प्रभु। आप अपने बंदों से प्यार करते हो। सम्राट, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक से सो नहीं पाया हूँ प्रभु, कहीं देर ना हो गई हो। सम्राट, मैं हकीम को बुलवाऊं? मैंने अपने दोस्त के साथ गलत किया है। दरवाजा खोलो। प्रभु आपके साथ है, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, उसने तुम्हें बचा लिया। हाँ, मैं ओसाइरस, दुनिया का सम्राट, और मैंने फैसला किया है कि तुम्हारे लोग जेरूसलम लौट सकते हैं। इससे उनका प्रभु तो खुश हो जाएगा, लेकिन अफसोस, उनके पास पूजा के लिए कोई मंदिर नहीं होगा। इसे शेरों के सामने डाल दो। नहीं, नहीं, नहीं!
जानते हो ये क्या है? हाँ, ये जरूसलम के मंदिर में रखा था, बहुत सुंदर है, मगर मैंने इसे कभी इस्तेमाल में नहीं देखा और बेबीलोन में रहने की वजह से कभी देख भी नहीं पाऊंगा। मगर हमारे बच्चे जरूर देखेंगे, जब वो जेरूसलम जाएंगे, जब वो मंदिर फिर से बनेगा और हमारा मुल्क फिर से आजाद होगा, हमारा संघर्ष खत्म हुआ। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, आओ मेरे साथ। देखो, हमारे लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। इतने साल तक अपने मुल्क से बाहर रहने के बाद भी सब साथ हैं, मन में उम्मीदें और मकसद हैं। उन्होंने इस दिन के लिए लंबा इंतजार किया है, लेकिन मुझे उनके भविष्य को लेकर फिक्र हो रही है। मैंने एक सपना देखा था, उसमें मुझे एक बड़ा सा जीव दिखा, बेहद खतरनाक और खूंखार। उसके बड़े बड़े दांत लोहे के थे। उसने पूरी दुनिया को निगल लिया था, मगर प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। मैंने एक महान नेता को देखा, मेरे सपने में मेरे सामने एक इंसान की औलाद बादलों के बीच से नीचे आया। उसके पास शक्ति थी, शान थी और दुनिया पर राज करने का जज्बा भी था। दुनिया भर के देश और लोग उसकी पूजा कर रहे थे। और ये अंत नहीं है अज़राया, ये तो शुरुआत है। यहूदियों को आने वाले वक्त के लिए मदद की जरूरत थी। अगले 500 साल तक उनके छोटे से मुल्क पर बार बार हमले हुए। This movie is encoded by Team EDM. और अंत में वो महाशक्तिशाली रोम के अधीन हो गए। रोमन लालच, जल्दी करो, रोमन कानून, रोमन सजा। इसराइल अब पहले से कहीं ज्यादा परेशान था। वो रोज प्रार्थना करते कि एक नया राजा डेविड आए और उन्हें इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाए।